हेलो दोस्तों, तो आज दिन है सैटरडे का और मेरा मन था ना मूली की झोली खाने का। तो यहाँ पर मैंने पहाड़ी मूली जो है वो थेज ली है, थेज ली मतलब सिलबट्टे में कूट ली है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बेसन जो है वो घोलने के लिए निकाल लिया है, उसमें 1 कप मट्ठा डाल के इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी आज मूली की झोली। तो आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताना। और मूली की झोली ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा आज मूली की झोली बनाए गाढ़ी गाढ़ी सी। तो यहाँ पर मैंने सब तैयार कर लिया था। उसके बाद कढ़ाई रख के उसमें सरसों का तेल डाल के मैंने यहाँ पर धनिया का तड़का लगा दिया था। और झोली में ना साबुत धनिया का तड़का बहुत अच्छा लगता है, और जीरे का भी लगा सकते हैं। साथ में मैंने इसमें हींग भी डाल दिया था, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। और हरी मिर्च जो है मैंने बेसन में ही डाल दी थी घोल के, साथ ही मट्ठे के साथ, तो बहुत अच्छी लगती है। और काट के ना उसमें बच्चों के मुँह में लगती है, तो इसलिए साबुत साबुत डाल दी। तो यहाँ पर झोली मेरी बिल्कुल थिक हो चुकी थी और अच्छे से पक चुकी थोड़ा बहुत। तो उसके बाद मैंने इसमें मूली डाल दी। मूली को ज़्यादा पकाना नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, मतलब खाने में कुरकुरी सी लगती है। तो मूली झोली मेरी बहुत अच्छे से बन गई थी। इसके बाद धनिया बिल्कुल फ्रेश था, फ्रेश धनिया इसमें डाला, बहुत टेस्टी झोली बनी। अच्छा, आप लोगों को कैसी लगती है झोली? झोली मीन्स कढ़ी, तो हमारे उत्तराखंड में झोली भी बोलते हैं। तो आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए। साथ में चावल भी बन गया, तो बहुत अच्छे तरीके से हमने खाना खा लिया था। तो इसी के साथ मिनी ब्लॉग एंड करूंगी। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले।